स्टार्ट। जिस एक व्यक्ति को मैं अपने मस्तक से लगा रहा हूँ साथियों, ये वो पवित्र मिट्टी है, ये उस स्थान की पवित्र मिट्टी है जहाँ का कण कण वीरता की उन गाथाओं से भरा पड़ा है जो 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़े गए युद्ध का साक्षी है। मैं इस समय हल्दी घाटी में हूँ और ये जो स्थान है, ये जो तंग दर्रा है आप देख पा रहे हैं, इस तंग दर्रे को आप देखेंगे, ये तंग दर्रा राजसमंद जिले के खमनौर और बलिचा गांव के बीच में ये पड़ता है और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कुंभलगढ़ का दुर्ग है। ये स्थान राजसमंद जिले में आता है, उदयपुर का पहले भाग हुआ करता था। और जैसा आप उधर देख रहे हैं, उधर आपको टूरिस्ट भी दिखाई दे रहे हैं, ये टूरिस्ट हैं जो घूमने के लिए आए हैं, यहाँ आकर के वो अनुभूति करते हैं, उस चीज़ को महसूस करते हैं, उस युद्ध की वीरता को महसूस करते हैं जो 1576 में लड़ा गया। तो एक भारतीय होने के नाते, एक राष्ट्र भक्त होने के नाते हम हमेशा इस अनुभूति को जीना चाहते हैं और हमको जीना चाहिए कि हमारा इतिहास जिन गौरवशाली क्षणों से भरा पड़ा है। महाराणा प्रताप शायद विश्व के सभी शासकों में एक ऐसे शासक के तौर पर याद किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे जिन्होंने कभी भी अपनी वीरता से कभी भी युद्ध के मैदान को कभी छोड़ा नहीं। अपनी वीरता से उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद विश्व के अनेकों शासकों ने नहीं किया, शायद जिनकी तथाकथित गाथाएं लिखी जाती हैं, महाराणा प्रताप की गाथाएं शायद उससे ज़्यादा कहीं उच्च स्तर की है और विश्व के अनेक शासक उन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं। निश्चित तौर पर हमें तो ये बड़ा गर्व होता है कि हम उस भूमि पर हमने जन्म लिया जहाँ राणा प्रताप जैसे शासक जन्मे हैं, और मैं उस जगह पर हूँ फिलहाल जो राणा प्रताप की वीरता की गाथा है, जिस मिट्टी का कड़कड़ बोलता है। तो मैं आज जब अपनी ड्यूटी के दौरान जब इधर से मैं निकल रहा था तो मुझे लगा कि हल्दी घाटी को अनुभूत किया जाए, महसूस किया जाए। और यहाँ से जब आप देखेंगे, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये पूरा ये जो रोड है ये सीधा उदयपुर जाता है और अभी जो मेरे ठीक दूसरी ओर है, विपरीत साइड है, ये खमनौर जाती है और उससे आगे जाएंगे तो कुंभलगढ़ दुर्ग आता है। तो साथियों महसूस कीजिए मेरे साथ, इस अनुभूति को लीजिए मेरे साथ, इस फील को अपने मन में लाइए कि हम किस एक स्थान पर हैं। इस स्थान की माटी को नमन करना, इस स्थान की माटी की खुशबू को अपने अंदर लेके जाना, माटी को साथ लेके जाना, ये बड़ा गौरव का क्षण होता है। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो फिर से हम ऐसे किसी और स्थान पे जो ऐतिहासिक होगा या प्राकृतिक तौर पे रमणीय होगा, वहाँ पे हमारी आपकी मुलाकात होगी। और मैं रियाज आपके साथ ऐसे सेशन करता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।